नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। यदि आप शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये आगे जाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। इस अंक में मैं बात करूंगा, सिद्धारमैया ने अभी एक बेंगलुरु में एक मैसूर में अलबद्र चौराहा का उद्घाटन किया है। अब आप देखिए, या तो ये भारतीय समाज की अज्ञानता है या फिर भारतीय हिंदू राजनेताओं की कायरता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ये नाम ही इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अलबद्र। इसीलिए आपने देखा होगा बेंगलोर में ही एक आतंकवादी संगठन भी है जिसका नाम अलबद्र है, और अभी जुलाई में ही उसके कुछ आतंकवादी पकड़े गए टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार। जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से कई आतंकवादी अलबद्र संगठन के वो पकड़े गए। अब मैसूर में, बेंगलोर में ये अलबद्र चौराहे के नामकरण का, एक चौराहे का नाम अलबद्र रखना क्या दिखाता है? ये पॉलिटिकल इस्लाम के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण के सिवा और कुछ नहीं है, और यह कृत्य पूरी तरह से अज्ञानता और कायरता से भरा हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इसके विरोध में पूरे भारत में आवाज उठनी चाहिए। यदि नहीं उठेगा तो आप आने वाले समय में आपका जीवन बहुत छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर अलबद्र का क्या इंपॉर्टेंस है? अलबद्र वो युद्ध है पॉलिटिकल इस्लाम में जो पहला युद्ध और विजय युद्ध लड़ा गया। 624 में यह युद्ध लड़ा गया काफिरों के खिलाफ, और इसमें पॉलिटिकल इस्लाम के फॉलोअर्स विजयी रहे, और इसलिए यह मदीना से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, इसके नाम पे इस युद्ध का नाम पड़ा है अलबद्र, बैटल ऑफ बदर। और इसका पूरे पॉलिटिकल इतिहास में एक कॉर्नर स्टोन जैसा, एक जो नींव रखने वाली पत्थर है किसी भी इमारत का, उस तरह का महत्व है। यह पहला युद्ध है जिसने काफिरों पे उस क्षेत्र में पूरी तरह से विजय प्राप्त की, और पॉलिटिकल इस्लाम का मार्ग वहां से प्रशस्त होता है और आगे चलते हुए भारत तक पहुंचता है। उस पहले बैटल से, अलबदर के बैटल के बाद से लेके आज तक पॉलिटिकल इस्लाम का अभी तक 19,000 जिहाद का अटैक हो चुका है, जिसमें यदि आप बात करें तो लगभग 270 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। 270 मिलियन इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से, इस्लामिक स्कॉलर एक जो है उन्होंने एक रिसर्च करके जो बात कही है उसके हिसाब से, इस पूरे पॉलिटिकल इस्लाम के युद्ध के दौरान क्रिश्चियन 60 मिलियन मारे गए, बुद्ध 10 मिलियन मारे गए, हिंदू 8 मिलियन मारे गए, अफ्रीकन 120 मिलियन मारे गए, मतलब 270 मिलियन लोग मारे गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 17वीं सेंचुरी से भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू होता है। छठी शताब्दी में बैटल ऑफ बदर होता है, काफिरों पर विजय प्राप्त की जाती है, और 17वीं शताब्दी बीच में छिटपुट आक्रमण भारत पे होते हैं इस्लाम के, पॉलिटिकल इस्लाम के, लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते यह अपने पूरे वेग से आक्रमण करता है भारत के ऊपर। और लगभग आपको मैं एक सूचना 17वीं नहीं बल्कि 12 और 13वीं शताब्दी से अटैक करना शुरू किया।
बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में जब भारत का अटैक हुआ तो कम से कम 4 लाख हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया उस अटैक में, कम से कम। ये इतिहासकार और इस्लामिक स्कॉलर के फिगर्स हैं, ये मेरे फिगर्स नहीं हैं। और उसी समय अफगानिस्तान से लेकर भारत तक जितने भी बुद्धिस्ट मंक थे उनको उनका कत्लेआम कर दिया गया। 14वीं शताब्दी में तैमूर आता है भारत और 90,000 भारतीयों का, हिंदुओं का कत्ल कर देता है और 700 हिंदू गांव को जला देता है, 700। लेकिन इसी अज्ञानता और कायरता का सबूत है जिस तरह से आज सिद्धारमैया ने ये बेंगलुरु में, मैसूर में अल बद्र नाम का चौराहे का उद्घाटन किया है। आज आप यदि दिल्ली जाएंगे तो फ्रेंड्स कॉलोनी के पास तैमूर नगर आपको मिलेगा। ये वही तैमूर है जिसके लिए ये नाम रखा गया है तैमूर नगर, जिसने 90,000 भारतीयों की हत्या की थी एक दिन के भीतर और 700 गांव को जला दिया था। आज जो सीमापुरी इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका वहां से लेकर और लाल किला के पीछे तक पूरे इलाके में जितने हिंदू रहते थे सबका कत्लेआम उसने कर दिया था। लोनी बॉर्डर और सीमापुरी, लोनी बॉर्डर पे एक अभी भी एक किला है किसी हिंदू का, जिसने पूरी पूरी ताकत से तैमूर लंग से युद्ध किया था, लेकिन और उसमें तैमूर लंग के एक बेटे की उसने को मार गिराया था उस युद्ध में, लेकिन बाद में फिर तैमूर लंग की ताकत की वजह से वो उसे परास्त होना पड़ा और इस तरह से तैमूर आपका तैमूर नगर आज भी उसी तैमूर लंग हत्यारे और आक्रमणकारियों के नाम पे है। 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में ही तुगलक 1,80,000 स्लेव्स बनाता है, 1,80,000 हिंदुओं को स्लेव बना लेता है, मतलब वो उसको मुसलमान में कन्वर्ट कर देता है और 3 लाख हिंदुओं को मार देता है वो। अब 17वीं शताब्दी में आएंगे आप तो 6 लाख हिंदू मारे जाते हैं। ये सब इस्लामिक इन्वेजन के कारण मारे जा रहे हैं भाई, औरंगजेब, उस समय औरंगजेब आ चुका था तब तक। तो आप देखिए 1400 साल के इस इस्लामिक इन्वेजन में ज्यूज, ग्रीक, पारसी, इंडियन सब के सब मारे जा रहे हैं, कोई भी इसमें बचा नहीं है। लेकिन भारत के हिंदू राजनेता, काफिर हिंदू राजनेता और भारत का बहुत बड़ा इस्लाम के प्रति घोर अज्ञानता में जीने वाले लोग इस चीज़ के महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि बैटल ऑफ बदर, क्या वो मैसूर में काफिरों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज से मैसूर में भी बैटल ऑफ बदर शुरू हो गया है, डिसाइसिव युद्ध का शुरुआत है एक, और अब काफिरों की खैर नहीं है यहाँ, क्या ये संदेश देना चाहते हैं? ये बैटल ऑफ बदर या अल बदर चौराहा मैसूर का हो या तैमूर नगर फ्रेंड्स कॉलोनी के पास दिल्ली का हो या बख्तियारपुर जंक्शन बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर में हो या कोई और रोड जो मुसलमान हत्यारों के ऊपर आक्रमणकारियों के नाम से हो, इन सब का क्या उद्देश्य है? काफिर हिंदू राजनेता ये ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कांग्रेस का लीडर सिद्धारमैया इस इनॉग्रेशन को क्या बताना चाहते हैं करके कि क्या काफिरों तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए युद्ध की घोषणा है? क्या वो अल बदर की घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है? क्या पॉलिटिकल इस्लाम के इन्वेजन और एक्सपेंशन और उसका जो महत्वाकांक्षा है उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है? तो ये केवल क्या क्षुद्र सत्ता में, क्षुद्र ये इतनी ही क्षुद्रता है केवल कि सत्ता में बने रहने के लिए वो काफिर हिंदुओं के विनाश के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और भारत चुपचाप देखता रहेगा? ये यही बैटल ऑफ बदर 624 में पहला बैटल है जो काफिरों के ऊपर विजय प्राप्त करता है और उसके बाद आज जो भारत में इतनी बड़ी संख्या में विनाश आपको मध्यकाल में देखने को मिलता है वहां तक पहुंचता है। आज जो आतंकवादी ग्रुप अल बदर के नाम से पूरे देश में आतंक मचाता है वो वहां तक पहुंचता है। 1400 साल पहले जो जिहाद शुरू हुआ था, जो पॉलिटिकल इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ था,
वो अभी भी जारी है, वो अभी भी जारी है। भारत के काफिर हिंदू वर्ग को यह सोचना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य के लिए उसे ऐसे राजनेताओं का, स्टालिन एक तरफ, स्टालिन का बेटा कहता है कि पूरे सनातन को इरेडिकेट कर दो, और एक तरफ सिद्धारमैया कहता है कि हम आज से तुम्हारे बीच पॉलिटिकल इस्लाम के एक्सपेंशन का, उसके विस्तार का नींव रखते हैं। तो क्या ये दोनों विचारधाराएं जो अब्राहमिक है, जिनका सोर्स एक है, स्टालिन का पुत्र हो या सिद्धारमैया का ये कृत्य हो, ये भारत के विनाश की ओर नहीं ले जा रहा है क्या? इस विनाश से भारत को कौन बचाएगा? और क्या आप इस विनाश की आहट को सुनते हैं, समझते हैं? यदि हाँ, तो आप कमेंट्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।